आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से फिर काठमांडू, काठमांडू से फिर आप यहाँ नोएडा आ गए, कैसा पूरा सफर किस तरीके से तय किया? क्योंकि इतना आसान नहीं ना, हर जगह चेकिंग भी हो रही होगी। दुबई की तो आप बात ही ना करें जी। और नेपाल तक तो मेरे पास वीजा था, सब कुछ था। दुबई में दुबई घूमी नहीं हूँ, दुबई गई नहीं हूँ, दुबई जहाज में उतारा और दूसरे जहाज में बिठाया। तो दुबई क्या पता नहीं क्यों लोग दुबई गई, दुबई में कहीं गई नहीं, एयरपोर्ट अंदर उतारा एक जहाज के, वहाँ से मैं दुबई, हाँ दुबई जहाज दुबई का था, तो फ्लाइट दुबई से यहाँ, यहाँ से दूसरे जहाज बैठना था, दुबई घूमी नहीं। तो ये था कनेक्टेड फ्लाइट से कहते हैं। अच्छा, काठमांडू से जब आप यहाँ पे आए तो किस तरीके से, कैसे, क्या वहाँ पे सचिन गया था आपको लेने? मैं पहली बार मांडू जी के थे। अच्छा, नेपाल में बस से आई थी। अच्छा, वहाँ से बस से आई थी क्योंकि मेरे मेरे पति थे, हमारी शादी पहले हो चुकी थी। अच्छा, आप लोगों ने पहले ही शादी कर ली थी? इनके पास तो आना ही था। और जैसे आपको पता, क्योंकि मैं हिंदू तो हो चुकी थी पहले, मैं हिंदू धर्म में आ चुकी थी, अब नहीं आई, मुझे साल पहले मैं हिंदू धर्म में आ चुकी थी, ये मांग भरना ये सारी पहनना मैं पहले से ही करती थी। तो इंडिया और नेपाल का इलेक्शन भी चुका, हिंदुओं के लिए आना बंदिश नहीं है, तो मैं हिंदू थी, मैं आई तो एकदम से पूछताछ नहीं किया गया। तो अब पाकिस्तान अगर वापस जाने के लिए आपसे कहा जाए, क्योंकि जांच पड़ताल चल रही है और आगे जिस तरीके से एजेंसी आपसे पूछताछ करेंगी, और अगर ये होता है कि नहीं आपको वापस जाना पड़ेगा, तो क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? कुछ भी जैसे सजा जेल का।